दोस्तों क्या आपको भी तलाश है एक सस्ते से माउस की जो कि वायरलेस हो। इस वीडियो में हम इसी की रिव्यू देने वाले हैं आपको और इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे और डेफिनेटली ये सबसे सस्ता है और काफी उपयोगी है। मैंने इसको इसीलिए लिया है, मजेदार है, आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला, करता हूँ आपका स्वागत एक नई वीडियो में। मुझे भी माउस की काफी प्रॉब्लम हो रही थी, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे माउस के बारे में पूछते हैं। एचपी या लेनोवो वगैरह के माउस आते तो हैं 500-700 रुपए के, पर ये जो माउस है ये काफी सस्ता है, मुझे मिला है 230 रुपए का। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, हो सकता है थोड़ा पैसा कम ज्यादा हो पर मुझे इतने का मिल गया है। और एक वायर माउस है तो अच्छा है कि आप ये माउस ले लीजिए, तार वगैरह का जंजाल नहीं रहता। आइए इस माउस की ओवरव्यू हम देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जेब्रोनिक्स का माउस, जी हाँ दोस्तों ये जेब्रोनिक्स कंपनी की ओर से है। यहां पर इसके कुछ स्पेक्स लिखे हैं बॉक्स में, जरा मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं। तो ये देखिए ये है यूएसबी माउस, मतलब कि यूएसबी में जाएगा, पीएस2 मॉडल नहीं है। और ये 1600 डीपीआई वाला माउस है, हाई प्रिसीजन है, प्लग एंड प्ले है, चार बटन है इस माउस में। तो आइए जल्दी से उसको ओपन करते हैं, कोई बहुत खास अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपली इसको ऐसे ओपन करना है और ये ऐसे माउस आपका बाहर आ गया और बाकी बॉक्स में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। जल्दी से ये बाहर निकल जाए, मैं सारे डब्बे बाहर फेंकता हूं। ये अपना माउस सामने आ गया है, जी हां दोस्तों देखने में कुछ इस तरीके का है, काफी सिंपल सा, एलिगेंट सा डिजाइन भी इसका काफी अच्छा है, हाथ में अच्छे से आता है। अगर पीछे इसको ओपन करें, यहां पर इसका कवर, तो इसमें लगेगा एक सेल और सेल ये डबल ए वाला सेल लगेगा, तो ये सेल आप काफी आसानी से कहीं भी पा सकते हैं। और एक बार इसमें सेल लगाते हैं तो करीब 6-7 महीने तक चलता है, ये मेरा अनुभव कहता है। दोस्तों इसमें ये यूएसबी का नैनो रिसीवर लगा है जो कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जाएगा, काफी छोटा सा है, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगती, सिंपली आप इसको ऐसे प्लग कर दीजिए अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे जैसे कि मैं कर रहा हूं, और आपको कोई सेटअप वगैरह करने की जरूरत नहीं अपने लैपटॉप में। अब आपको इसमें लगाना पड़ेगा बैटरी ऐसे, और एक बार ये बैटरी लग जाए तो फिर आप लोग रेडी हैं। यहाँ पर इसमें एक बटन दिया गया है, यही बटन आपको स्विच करना पड़ेगा ऑफ से ऑन पे। एक बार ऑन करते हैं तो एक बार ये लाइट जलेगी, हो गया। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, जैसे ही इंस्टॉल करेंगे डायरेक्ट ये प्लग एंड प्ले का माउस है। और यहाँ पर आपको एक डीपीआई सेट करने की बटन मिलती है, स्क्रॉल है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और कोई बटन नहीं मिलेगी, टोटल चार बटन मिलेगी, तो हमको और बटन की आवश्यकता भी नहीं है। कोई गेमिंग माउस वगैरह नहीं है, हाथ में काफी अच्छे से आ रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ा छोटा माउस है जिसका हाथ मेरी तरह बड़ा है, उसके लिए दिक्कत करेगा, पर चूंकि मेरी उंगलियां भी काफी लंबी है तो ये काफी अच्छे से संभाल लेगा। जैसे कि देखिए ये संभाल रहा है, मुझे पूरे हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, ये उंगलियों भर में ही कवरेज दिया है, तो इस वजह से मैं काफी देर तक इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों 200-250 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है, आपको इसको तुरंत परचेस कर लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है फिर भी परचेस कर लेना चाहिए, ये आपके काम को काफी आसान करता है। ये लैपटॉप में जो आप ऐसे 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 करते रहते हैं तो काफी देर में दिक्कत करने लगता है, मुझे काफी परेशान करता है, इसलिए मैंने ये माउस खरीद लिया है। और दोस्तों ये जो रिसीवर है ये खो जाता है कभी कभी, तो मैंने ये माउस देखा जिसमें कि आप ये लगा सकते हैं इसके अंदर, आप इसको फिट कर दीजिए अगर आप खोना नहीं चाहते हैं। तो कुछ माउस होते हैं जिनके अंदर फिट नहीं होता है पर इसके अंदर फिट होता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है इस माउस की। जेब्रोनिक्स कंपनी कोई बहुत खराब कंपनी नहीं है, आपके घर में इसके सामान तो होंगे ही, सबके घर में होते हैं, स्पीकर वगैरह बनाती है, तो जेब्रोनिक्स काफी समय तक चलेगी, अगर 2 साल भी ये चलता है तो वसूल है, इसकी 1 साल की वारंटी मिली है मुझे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। एक बार आप इसको बस ऐसे लगा दीजिए, सीधा ऐसे काम करने लगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लग एंड प्ले माउस है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन में ओटीजी केबल लगा के, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप में, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर में, और जहां जहां माउस का काम हो सकता है। मोबाइल में कैसे इसको चलाते हैं ये आपको जानना है तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको आगे बताएंगे, एक वीडियो में आपको आगे दे दूंगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि ये माउस बड़ा उपयोगी है, बड़ा काम देने वाला है मुझको। अगर आपके पास लैपटॉप है, आप वो ऐसे ऐसे करते करते परेशान हो गए हैं, तो जरूर से इसको खरीद लीजिए, काफी ज्यादा काम आसान होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ। डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से खरीद सकते हैं, माना कि एफिलिएट है पर आपका थोड़ी ना कुछ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।